हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो मैं अभ्यास 6.1 का जो सातवां सम जो है वो करवाने जा रहा हाँ। बहुत ही ईजी है तो माड़ा जहा ध्यान दे समझना। तो ये आप जोड़ क्रिया किए बिना जोड़ फल पता करना। असं इन्हों इदा नहीं जोड़ना, एक प्लस तीन चार पांच जोड़ यानी कि इदा नहीं जोड़ना इन्हों। तो यदि जोड़ करना, यदा एक नियम है, रूल है, एक ट्रिक है, वह समझना तुसी। तो जे समझ जाओगे तो तुसी बिल्कुल अपने आप ही खुद ही जिहड़ा इहदा जोड़ कर लोगे। सानू जोड़ करन दी लोड़ नहीं, तुसी देखोगे तो वह है क्या ट्रिक आपां देखते हाँ। तो तुसी देखना कि एक तो शुरू करके टांक संख्यावां दा जोड़ जिहड़ा है, तो जिन्नियां टांक संख्यावां एक तो स्टार्ट होनी चाहिए तो लगातार होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूअस। एक तो बाद तीन, तीन तो अगली पांच, पांच तो अगली सत्त, सत्त तो अगली नौ। तो जिन्नियां ये संख्यावां होण इन्हां दा जोड़ जिहड़ा हैगा उन्नी दा वर्ग बन जाणा। एक दो तीन चार पांच, पांच संख्यावां इह, तो इन्हां दा जोड़ जिहड़ा है पांच दा वर्ग होगा, यानी कि इन्हां दा जोड़ जिहड़ा पच्ची होगा। चाहे तुसीं हुण खुद चैक करके देख लो, तीन दे विच पाया चार, चार च पांच पाया नौ, नौ च सत्त पाया सोलह, तो सोलह दे विच नौ पाए पच्ची, किन्ना आ गया पच्ची। तो हुण आ गई दूजी है, इहनूं भी देखो ध्यान दे नाल। तो पहला तो यह चैक करना भी टांक संख्यावां हन सारियां, तो स्टार्ट भी एक तो होंदियां। यह दो गल्लां दा जरूर ख्याल रखना। इत्थे पहली टांक संख्या एक है, तीन पांच सत्त नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सतारह, तो यह तो हैगी रेगूलर ही है, एक तो स्टार्ट हो गए लगातार ही हैं। तो हुण आपां इन्हां दी गिणती करनी कि एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ, इहदा मतलब इन्हां दा जिहड़ा जोड़ होना वो नौ दा स्केयर होना। नौ दा स्केयर, नौ दा स्केयर किन्ना होंदा, इक्यासी, एटी वन। तो फिर हुण आपां तीजा सम देखा, तीजा तो यह भी पहला चैक करो भी टांक संख्यावां एक तो स्टार्ट हो गए लगातार हन। एक तीन पांच सत्त नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सतारह उन्नी इक्की तेई, बिल्कुल लगातार हैं, तो स्टार्ट भी एक तो होंगे हैं। तो फिर हुण आपां इन्हां दी काउंटिंग करनी, तो किन्नियां संख्यावां हैं, एक दो तीन चार पांच छे सत्त अठ नौ दस ग्यारह बारह, यह संख्यावां हैं बारह। इहदा मतलब इन्हां दा जिहड़ा जोड़ होगा वह बारह का वर्ग होगा, बारह का वर्ग। तो बारह का वर्ग सानू पता है कितना होता है, एक सौ चौताली, इन्हां दे जिहड़े है आंसर आवे। यह ट्रिक जिहड़ा तुसीं ध्यान दे नाल समझना, इहदे नाल दा क्वेश्चन आंदा ही आंदा है। तो यह तो अगे इस चीज़ नू यूज करके जिहड़ा है होर तरह एक सवाल पूछे जाते हैं, वह आपां हुण अगे करदे हां। तो हुण आपां इह सम करदे हां, अठ पॉइंट अठ का जिहड़ा फस्ट सम है, उणंजा सत्त टांक संख्यावां दे जोड़ दे रूप में लिखो। उणंजा सत्त टांक संख्यावां दे जोड़ दे रूप में लिखो। यह भी इसे ही तरह है, क्योंकि जिहड़ा उणंजा है वह सत्त का वर्ग हुंदा। इहदा मतलब सत्त का वर्ग आपां जिहदा जिहड़ा पहला कीता है कि सत्त का जिहड़ा वर्ग है वह पहलियां सत्त टांक संख्यावां दे जोड़ होगा, यानी कि जिहड़ा उणंजा होगा वह पहलियां सत्त टांक संख्यावां दा जोड़ होगा। यानी कि फिर हुण इत्थे जिहड़ा आंसर आ गया, जिहड़ा सोल्यूशन है इहदा, जिहड़ा इह होगा एक तो स्टार्ट करनी लगातार, एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सत्त प्लस नौ प्लस ग्यारह, सत्त गिन काउंट करनी है, पर संख्यावां सत्त तक नहीं छड्ड देना, सत्त संख्यावां काउंट करनी है, एक दो तीन चार पाँच छे ते एक होर सत्तवीं प्लस तेरह। तो आ टांक संख्यावां भी हैं, तो इन्हां दा जे जोड़ करूंगे आपां तो एक तो स्टार्ट हो गई, तो सत्त संख्यावां दा जोड़ है मतलब सत्त का वर्ग होगा, यानी कि उणंजा होगा। तो ये आ गया पहले का आंसर। दूजा होना है एक सौ इक्की ग्यारह टांक संख्या, यानी कि जो इदा सम आऊंगा थानू इतने स्केयर होगा, यदा स्केयर होगा, ये ग्यारह है तो इतने एक सौ इक्की, ग्यारह का स्केयर जो एक सौ इक्की, जे अठ है इतने
ਤਾਂ ਇੱਥੇ 64 ਹੋਊਗਾ 64 ਹੋਊਗਾ ਜੇ 9 ਇੱਥੇ ਤੇ 109 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ 81 ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 81 ਨੂੰ 9 ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ 7 ਦਾ ਇਹਦਾ 49 ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 11 ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 121 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 11 ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ 1 ਪਲੱਸ 3 ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ 7 ਪਲੱਸ 9 ਪਲੱਸ 11 ਪਲੱਸ 13 ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ 11 7 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 8 ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਲੱਸ 15 ਪਲੱਸ 17 ਪਲੱਸ 19 ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ 7 ਆ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ ਪਲੱਸ 11 21 ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ 121 ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ 1 3 5 7 ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 19 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਦਾ ਵਰਗ 25 ਹੋਊਗਾ ਜੇ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ 7 ਦਾ ਵਰਗ 49 ਹੋਊਗਾ ਜੇ 11 ਦਾ ਵਰਗ 11 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 121 ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ